नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। गोपालगंज में सड़क पार कर रही महिला को अनियंत्रित पिकअप वैन ने रौंद दिया, जिसके बाद महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीण व परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया। गोपालगंज के माझागढ़ की स्थानीय थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में श्याम सुंदर शाह की पत्नी कैलासी देवी अपने बहू सरिता देवी को लेकर अपने बगल की बस्ती में युवतिया व्रत की जानकारी लेने उच्च पथ 28 को पार कर रही थी। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित पिकअप वैन ने उन्हें रौंद दिया और लापता हो गई, जिससे कैलासी देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं बहू सरिता देवी घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने उच्च पथ 28 को जाम कर मुआवजा की मांग करने लगे, जिससे आवागमन घंटों बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन ग्रामीण घटनास्थल पर अंचल पदाधिकारी को बुलाने की मांग के साथ सरकारी नियमानुसार मिलने वाले मुआवजे देने की मांग कर रहे थे। घंटों मशक्कत करते हुए पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सरकारी मुआवजा दिलाने के आश्वासन देकर जाम को तोड़वाने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज़।